दोस्त तो देख सकते हैं ट्रेन जाती हुई कितनी अच्छी लग रही है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जब शैडो आ रहा है तो इसके अंदर से कुछ कलाकृतियां दिख रही हैं, आप करीब से देख सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो नमो घाट इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ का नमस्ते करते हुए स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हेलो गाइस, आपका वेलकम करता हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो में। और ये बस हमें ले जा रही है बनारस, और हम बनारस मिलके आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक आपको हाईवे दिखा देते हैं। शायद ही आपको मेरी आवाज़ आ रही हो क्योंकि यहाँ बहुत ट्रक चल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा मेरे से आ रही होगी। चलिए आपको सफर में आगे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है यहाँ वाराणसी जंक्शन पर, और इसके पीछे बस स्टैंड है जिससे हम उतरे, और अभी हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा सिटी। तब तक के लिए आप देख सकते हैं पूरे स्टेशन को इन्होंने मंदिर जैसा सजा दिया है, और बाकी आपसे हम सफर में आगे मिलते हैं। तब तक के लिए हेलो गाइस, आपको ले आए हैं नमो घाट पर, और इसका पूरा सैर कराएंगे। आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ से ट्रेन जाती है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं, और इसके पीछे लगे सीएनजी पंप है, और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर नाव भी बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, जहाँ पर आप नाव से जाके सैर सपाटा कर सकते हैं। और आपको मागी घाट में और दिखाएँगे, तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए, और चलिए आगे देखते हैं। दोस्त तो देख सकते हैं ट्रेन जाती हुई कितनी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन जब जाती है ऊपर से तो नीचे कंकड़ गिरते हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया अभी उसके ऊपर से कंकड़ गिर रहे हैं। दोस्तों समझ जाइएगा जब ट्रेन आती हो यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दूर वहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाथ जोड़ा हुआ एक इंसान, या फिर हाथ जोड़ा हुआ कलाकृति, इस कारण से इसका नाम नमो घाट पड़ा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है नमस्ते कर रहा है, इसका नाम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नमो नमः। तो नमो घाट इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ का नमस्ते करते हुए स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ दोस्तों आप देखते रहिए, आगे में वीडियो में आपको पूरा हम सैर कराएंगे यहाँ का, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं सीढ़ियाँ, यहाँ पर सीढ़ियों से कैसा व्यू दिखता है हम दिखाते हैं आपको सीढ़ियों के पश्चात। दोस्तों ये रही सीढ़ियाँ जहाँ से हम चढ़ के आए, और ये यहाँ से कितना सही व्यू आ सकता है, और आप यहाँ पर आके फोटोग्राफ शूट करा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हरे राम। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आके आप व्यू का एंजॉय ले सकते हैं, लेकिन बहुत गर्मी है जिसके कारण हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो में आगे और क्या क्या होता है और हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तब तक के लिए नज़ारा ये रहा, देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है वो। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जब शैडो आ रहा है तो इसके अंदर से कुछ कलाकृतियाँ दिख रही हैं, आप करीब से देख सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया हुआ है इसके ऊपर स्कल्पचर। त्रिशूल है यहाँ पर, और गेल स्पॉन्सर्ड लग रहा है।
दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कृपया सुरक्षा रेखा से आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी लोग देखिए किस तरह मनमौजी लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसा ना करें आप बिल्कुल दोस्तों, बच के रहें क्योंकि आपका जान आपके हाथ में है। वो देखिए नाव से कुछ लोग तैर रहे हैं वहाँ पर। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे मिलते हैं, बहुत धूप है, देखिए धूप तुम्हारे सर पे। कुछ देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अभी धूप है। दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ से अस्सी घाट, प्रोग्राम था यहाँ घूमने का लेकिन यहाँ पर धूप बहुत है और धूप के साथ साथ यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, इसलिए हम जा रहे हैं अस्सी घाट और वहाँ जाके आरती देखेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे वापस। देखिए हम आ चुके हैं अस्सी घाट पे, जैसा हमने आपको वादा किया था हम आपको अस्सी घाट दिखा रहे हैं। और देखिए हमारे पीछे का कुछ नज़ारा, यहाँ पर सारी बोटिंग वोटिंग हो रही है उधर और सामने यहाँ पर आरती भी होगी। आप देख सकते हैं वहाँ पर आरती का सारा सामग्री जमा किया जा रहा है और यहाँ पे आरतियों के शाम में उसका इंतज़ार करते हैं। अगर हम देख पाते तो ठीक, नहीं देख पाते हैं तो ये वाली पार्ट कट कर दी जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पर जैसा कि झूला भी है, अगर आप झूला झूलना चाहें तो यहाँ पर झूला भी झूल सकते हैं और मौज कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए ज़मीन में गड़ा हुआ जनरेटर, एक पुराने ज़माने का जनरेटर है और बाकी सामने है नदी। आप सभी से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम क्या करेंगे, मां गंगा ये आप नहीं आए हैं, ये आपको मान बुलाया, आप अपनी इच्छा से नहीं आए। गंगा माता की आप में से कोई भी एक आदमी जाए और माँ गंगा का महापूजन करें। त्वा गणपति गो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गो हवामहे निधीनां त्वा प्रिया अधूनतो अस्तु भद्रभवानव पितरान विश्वया मते दो जानविन्द्रते हरि ओ हरि कृष्ण दामोदर।